नमस्कार, बीसीएन न्यूज के प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन में कन्नौज शहर में गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों की भोजन की समस्या को हल करने के लिए मां गायत्री शक्तिपीठ के बैनर तले सरस्वती ज्ञान मध्य स्कूल के डायरेक्टर श्री रामकरण जी यादव के कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए बेटा, पुत्री और धर्मपत्नी के सहयोग से रसोई में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस रसोई से हर दिन 100 भोजन के पैकेट बनाकर वितरण हेतु कोविड सेंटर, शासकीय चिकित्सालय, पुलिस थाना, बस स्टैंड व मार्केट में घूमने वाले मुसाफिरों व गरीबों को निःशुल्क स्वादिष्ट भोजन विगत 10 दिनों से उपलब्ध कराया जा रहा है। हर दिन भोजन पैकेट की मांग बढ़ती जा रही है। रामकरण यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वेद माता गायत्री परम पूज्य वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से गायत्री परिवार के द्वारा संचालित रसोई से निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है। रसोई में भोजन बनाने में साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह भोजन बनाने और वितरण करने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। हमारे द्वारा हेल्पलाइन नंबर 9303910973 ये भी जारी किया गया है। आवश्यकता अनुसार भोजन की सूचना मिलने पर पते पर भोजन पहुंचाया जा रहा है। वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से हमने अपने दोस्तों से विचार किया थे और उनके आशीर्वाद से मैंने ये कार्यक्रम चालू कर दिया थे और आज लगभग 50-60 पैकेट प्रतिदिन हॉस्पिटल है, थाना है, कोविड सेंटर है, वो बस स्टैंड है, वो और जो कोरोना योद्धा है, कोरोना योद्धा उनको दीन दुखियों को प्रतिदिन बांटा जाता है। उसके बाद जो भी हमारे पास कॉल आते हैं 108 एम्बुलेंस वाले हैं, जिसकी भी जरूरत पड़ती है उनको तत्काल में उपलब्ध कराते हैं। इन भोजन की सेवाओं के लिए आप कहाँ कहाँ से सहयोग प्राप्त हो रहा है? बोरे साहब, अभी तो मैं स्वयं अपने द्वारा करते हैं बुरेडे और जब आवश्यकता पड़ेगी तो देखेंगे, नहीं तो जितना भी है मैं स्वयं बहन करते इसका बुरेडे। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से कैमरामैन दीपक बैरागी के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। नोएडा से बाईफारा अपने दामाद के साथ इटावा अपने घर जाते समय शिकोहाबाद और सिरसागंज के बीच नेशनल हाईवे पर अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और बाइक लूटकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से फिरोजाबाद के ट्रामा सेंटर लेकर आई, जहाँ से उसे भर्ती कराया गया है। वही पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना शिरसागंज क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है, जहां एक बाइक से ससुर राकेश कुमार अपने दामाद ब्रजेश के साथ नोएडा से अपने घर इटावा जा रहे थे। तभी ब्रजेश ने टॉयलेट करने के लिए बाइक रुकवाई और टॉयलेट करने चला गया। तभी 3 से 4 लोगों ने 42 वर्षीय राकेश को सामने से गोली मार दी और बाइक लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना थाना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और घायल को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल के सरकारी ट्रामा सेंटर लेकर आई, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत के चलते उसे आगरा रेफर कर दिया। फिलहाल घायल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? राकेश जी, क्या घटना हुई आपके साथ? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, कहाँ पे, किस जगह पे गोली मारी है आपने? कहाँ पर हुई थी आपके साथ घटना? पराग जी, आप लोग कहाँ से आ रहे थे और क्या घटना हुई है आपके साथ? क्या घटना हुई है फिर आपके? चार आदमी आए, उन्होंने सामने से गोली मारी। फिर बाइक मिली तो हमने उनको गोली लगने के बाद आदमी बैठे हुए थे, तो हम उनको साथ लेके भाग गए। किस जगह घटना हुई थी? सिरसागंज में। क्या नाम है उनका जो घायल हुए हैं? नाम है राकेश। आप लोग नोएडा में क्या काम करते थे? छुट्टी पे आए थे आज?
नहीं छुट्टी में नहीं, ऐसे उनके यहाँ शादी थी, हमारे यहाँ भी ऐसे शादी थी, तो इसलिए हमने सोचा दोनों लोग साथ में निकल सकते, सवारी हमारी बंद है इस टाइम, कोरोना की वजह से नहीं गई। बाइक से जा रहे थे? आपके दोस्त हैं वो? हाँ दोस्त, साथ ड्यूटी करते हैं। कौन सी गाड़ी थी जो इसको लूट के ले गए? बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक पर बच्चों ने अपहरण करने का प्रयास का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के मेरठ रोड पर सड़कों पर गुजर बसर करने वाले सैकड़ों भूपलित रहते हैं, जहां आज अचानक शाम के समय नशे में धुत एक युवक के बस्ती में आने पर बच्चों ने बताया कि यह युवक उनके सर पर पूरी की चुन्नी पर पहले तो शराब डालकर और उसके बाद कुछ नशे की चीज सुंघा कर अपहरण कर ले जाने के लिए गाड़ी में डाल रहा था, परंतु कुछ लोगों की तत्परता ने उन्हें बचा लिया, जिसके बाद बच्चों की पहचान पर लोगों ने युवक को पकड़ लिया। इस दौरान सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा थाना प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह युवक को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी, जहां लोगों का आरोप था कि यह युवक 3 बच्चों का अपहरण कर ले जाने का प्रयास कर रहा था, तो वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक कैमरे से बचते हुए यह कहते हुए नजर आए युवक अभी शराब के नशे में है। फिलहाल युवक मेरठ रोड स्थित आवास विकास का निवासी बता रहा है और यह अपना मोबाइल गिरने की बात कहते हुए बस्ती में मोबाइल ढूंढता हुआ पहुंचा था, जिस पर उन्हें लोगों ने पकड़ लिया। बाकी जांच की जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगी उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ये अभी किडनैपिंग का 2 लड़की 8-10 लड़की खेल रही थी वहाँ पे, खेलने के बाद में इसने वहाँ पे गाड़ी रोकी, पता नहीं कहाँ से आए, गाड़ी रोकने के बाद में इसने लड़की को बुलाया, लड़की छोटी छोटी चली गई, इनके जाते के साथ ही दोनों लड़कियों को ने आधी अंदर खेल लिया आधी बाहर, जब लड़की चिल्लाई है छोटी वाली तो इतने फल वल वाले खड़े हैं वो भगे, उन्होंने भगकर इनको खींचा, दुपट्टा भी लड़की का गले में लपट गया, जब इसने गाड़ी भगाई जब हम इधर से भागे तो एक लेडीज ने ईट भी फेंक के मारी, इनकी गाड़ी का शीशा भी टूट रहा है, नंबर भी गाड़ी का 35 या 37 या 35 है इनके पास होगा भैया, नहीं ये कांड हुआ। फिर अभी ये दोबारा आया है, जब लड़की जो जोन सी लड़की को भर रहा है वो लड़की देख के इसे डर के भागी, तो देखने के बाद में भागने के बाद में हमने सोचा कि यही होगा, उसने देख लिया कि यही है जो जो हमें भर रहा, जब हमने पकड़ के यहाँ बैठा लिया, गाड़ी वहाँ खड़ी करके आया, ये दोबारा से आया यहाँ पे, तो अब उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है ना। बता सर क्या मामला हुआ यहाँ पर, गाड़ी नंबर भी ले लो। ए गिरी गाड़ी आधी गाड़ी में डाल भी ली थी एकदम दूसरा लड़का। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। दिल्ली के सराय काले खां के पास यमुना खादर में बनी झुग्गी बस्तियों में पिछले साल से लगे लगातार लॉकडाउन से परेशान लोगों को और इस बार दोबारा फिर लॉकडाउन से परेशान लोगों को निरंतर खाना राशन पीपी किट पास में रहने वाले अली और दीपा नाम के दो शख्स वितरित कर रहे हैं। वह रोजाना दोपहर का खाना और रात का खाना झुग्गी बस्ती में जाकर वितरित करते हैं। जब इसकी जानकारी हमारी टीम को हुई तो उन्होंने जाकर वहां का जायजा लिया, तो वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि यह पिछले साल से ही हमें खाना राशन और जरूरत की हर चीज मुहैया करा रहे हैं, जिसके बाद हमने रुख किया अली और दीपा से मिलने का, तो जाना कि वह किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, ना ही किसी राजनीतिक पार्टियों से इनका लेना देना है। अली का कहना है कि वो खुद एक झुग्गी बस्ती से निकल कर आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें इन लोगों का दर्द और मजबूरी मालूम है, इसलिए मैं इनकी लगातार मदद कर रहा हूँ। इसके लिए जरूरी नहीं किसी संस्था या राजनीतिक पार्टियों से ही संबंध हो, बल्कि हमारे मन में दया और भाव होना जरूरी है। देखो मैं पहले से तो जितना जिसका अच्छा कर सकता हूँ करता था। एक सोनी लेलेरिया का नाम आदमी थे, उसने मेरे लिए फरिश्ता है। पिछला साल जब लॉकडाउन हुआ वो बहुत सूखा राशन खाना, हमारे यहाँ पावर हाउस है या 6,000 मजदूर था, वो 2 महीना खिलाया और हमें बहुत सूखा राशन दिया था जो हम गरीब के सामने बांटने पाए। तो इस बार भी 17 तारीख से वो मुझे कॉल किया जे जितना प्रवासी मजदूर जा रहे हैं
उसको खाना प्रोवाइड करो। तो हमने खाना प्रोवाइड किया। अभी चार दिन पहले किट आए थे 250 किट, वो भी हम झुग्गियों में दिए। एक एक किट में 1200-1500 का सामान था। आज भी किट आया 70 किट, अभी मैं बांटने जा रहा हूँ ये गेशपुर में उधर झुग्गियों की तरफ। जैसे हम खाना देते हैं आपका कांचनपुरी बेहला स्टेट, जो प्रवासी लोग गया रोज़ यहाँ से 5000 लोग प्लान किया यहाँ से रोज़, 16 तारीख से लगभग अभी 4-5 तारीख तक ये हमने रोज़ ये लोग को खाना खिलाया जो गाड़ी में जा रहे थे, और आज भी हम अभी खिला के आए। अच्छा, क्या टाइमिंग रहता है आपका अली जी? एक तो होता है 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक, एक होता है शाम के टाइम जो आता है वो 5 बजे आता है 8-8:30 बजे तक। मतलब दोनों टाइमों का खाना देते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये सहयोग जो आप करते हैं इनको कोई सरकार सपोर्ट करती है? नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, ये हमें कुछ नहीं। सरकार तो इस टाइम निकल के आना चाहिए था, सब सरकार तो दुपक गया। सरकार दुपक गया, इस बार कोई भी सरकार हो सामने आना चाहिए। कोई भी एक को आज तक देखा नहीं, कोई नेता या मंत्री कोई आके जो इसके गरीब के कोई हाल सुने। आज झुग्गी बस्ती में जाके देखिए आप क्या हाल है, एक एक घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। आज 4 दिन पहले मैं खाना बटा हूँ, एक लेडीज़ ने वो खाना लिया और दूसरे उसको जेंट्स को जब दिया वो बहुत रोया। मैंने पूछा उसको जो सर क्या हुआ, खाना में कोई दिक्कत है मतलब ये किट में? तो बोला नहीं, कल से मेरा चूल्हा नहीं जल रहा था। इसी गेशपुर की बात है। तो ये सरकार को देखना चाहिए था, सरकार को आके किसका क्या हाल है। आप देखो, मैं जो देखता हूँ एकदम थर्ड क्लास, जो एकदम नीचे का क्लास, नीचे का लेवल, आज सब जितना है सब नीचे लेवल में। पहले शायद ये लोग कोई रिक्शा चलाता था, कोई ठेली चलाता था, कोई दुकान लगाते थे, कोई किसी के घर में काम करता था। सबका काम छिन गया, काम नहीं है, सब घर में बैठा हुआ है, सब बेरोजगार। अच्छा, कुछ इतरे नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। क्या कहते हैं वहाँ के लोग आपको? नहीं, मैं उतना नहीं पूछता हूँ। जो सेवा करना है, मैं एक जानता हूँ मानव, ये सेवा ही बड़ा धर्म है, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैंने आज तक ऐसा कोई बात भी नहीं किया। मैं ना किसी मीडिया को बोला, ना किसी को छोचो किसी ट्विटर में देता हूँ, नहीं देता हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ। कोई संदेश हमारी चैनल की तरफ से? मेरा एक ही संदेश है, हो सके जितना इंसानियत है, नेता सरकार जो आस पड़ोसी का लोग अपना इंसानियत दिखाए ताकि गरीब का हेल्प करे। बहुत दुखी में है सब, मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है। कब तक वितरण करते रहेंगे आप? देखते हैं, जब तक लॉकडाउन है तब तक देखेंगे। जान है तो जहान है, हम दोनों, मैं दीपा दोनों, हम ऊपर वाला का हाथ दिया ताकि हम ये सोच रहे हैं जान है एक, ये जान अगर हम दो जगह बांट सकते हैं। इतने लोग मर रहे हैं, आपको चिंता नहीं होती है? इसके बहुत चिंता होते हैं। जैसे मेरे सामने हमारे, हम शमशान के बगल में ही रहते हैं, मैंने 25-30 जो लावारिश नहीं है वारिश है वो लोग का आदमी आया था, दूर दूर रहता था, हमने खुद जलवाया है इसी शमशान में हमारा। दीपा नाम है मेरा। दीपा जी कहाँ से हैं? हम ये बहलोलपुर सराय काले खान से हैं। ये हमारी 17 अप्रैल से चल रही है। और 17 अप्रैल से पहले से भी? हाँ, उससे पहले भी किया था, पिछले लॉकडाउन में भी। मैडम कहाँ से ये खाना आप लोग लेके आते हैं? हम ये, हमें खाना देता है सुनील एलेडिया नाम का है इंसान, बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। वो हमें देते हैं। तो सभी जगह आप वितरण करते हैं? हाँ जी। तो कौन कौन सा एरिया आप ज़्यादा करते हैं वितरण? सभी जगह करते हैं। अच्छा, तो मैडम आप किसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं क्या? हाँ, मैं बीजेपी से हूँ, मैं वहाँ सिद्धार्थ नगर मंडल से मंत्री हूँ उनकी। अच्छा, तो बीजेपी तो नहीं आपको खाना देती है? नहीं, वो नहीं, उनका मुझे कोई सपोर्ट नहीं है अभी। सपोर्ट है लेकिन ये आप अपनी तरफ से करती हैं? हाँ जी, ये मैं अपनी तरफ से करती हूँ। अच्छा, तो क्या क्या आप वितरण करती हैं? इसका मैं देती हूँ, खाना है, खाना है, पीपी किट भी दी है, मास्क भी दिए है, और ये आपके व्हील चेयर भी दिए, व्हील चेयर भी दिया है विकलांगों को मैंने। 122। अच्छा, कितने बजे? ये हमारा 1:30 बजे से लेके 4-5 बजे चल जाता है। मैं क्या? हाँ, दोनों टाइम का दे दे। कहना चाहेंगे उनके बारे में क्या कहूँ? इस टाइम में उनको उनसे कोई नहीं आ रहा है निकल के, उनको आना चाहिए वैसे देखने के लिए लोगों को। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।